एवरीवन, आप लोग बहुत बहुत सारे लोग अभी ऑफिस में बिजी हैं और जो लोग मुझे देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर, सो आई हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. हम डे टू डे जिंदगी में गूगल बहुत ज़्यादा यूज करते हैं ऑब्वियसली. सो व्हेन आई वाज टोल्ड दैट आई हैव टू लॉन्च दिस सॉन्ग इतनी बड़ी हस्तियों के साथ में, तो मैंने एक फैक्ट गूगल किया जस्ट कि क्या हो रहा है आजकल हमारे इंडिया में या फिर वर्ल्ड में, व्हाट इज हैपनिंग विद द पॉल्यूशन. So I got to know that approximately 15,342 plastic waste अकेले हमारे इंडिया में होता है और उस वेस्ट को फर्टाइल लैंड्स पर डाल दिया जाता है जो कि वेस्ट लैंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रॉपरली उसे रिसाइकल भी नहीं कर पाते हम. ये है पॉल्यूशन, बट वॉट इज द सोल्यूशन? चलिए थोड़ा सा इसको इनफॉर्मल करते हैं. सो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ. मेरा ब्रेन ना सर बहुत अलग तरीके से फंक्शन करता है. सो बेसिकली 5% मुझे लोगों के नाम याद रहते हैं, मतलब मैं अपनी एज नहीं बताऊंगी बट बुढ़ापे वाले सिम्टम्स अभी से आने लग गए हैं. 3% मुझे इंपॉर्टेंट नंबर्स याद रहते हैं, मम्मी के पापा के, वो तो याद रखने जरूरी है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हुई अकेली लड़की नन्ही सी जान फंस जाएगी. 2% जो स्कूल में सिखाया था ना एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री जो कभी काम ही नहीं आई मेरे प्रोफेशन में, वो थोड़ी बहुत याद है. बट 90% मुझे याद रहते हैं लिरिक्स. आप कोई गलत गाना गाई और मैं आपको पकड़ लूंगी कि नहीं ये ऐसे नहीं ये ऐसे था. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज म्यूजिक इज मैजिक. म्यूजिक में जो पावर है वो इस पूरे वर्ल्ड में किसी में भी नहीं है, राइट? और आज मैंने सोचा कि क्यों ना इस पावर को और ज्यादा बड़ा किया जाए. मतलब मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं दे रही हूँ. सो हेलो, मेरा नाम है यशस्वी एंड प्यार से आप लोग मुझे यशी कह सकते हैं क्योंकि मेरा नाम थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है. सो आई वेलकम यू ऑन द बिहाफ ऑफ हंगामा एंड बामला फाउंडेशन. और आज हम प्लास्टिक का सल्यूशन निकालने आए हैं, मतलब पॉल्यूशन का सल्यूशन. वी ऑल आर गोइंग टू बीट द प्लास्टिक. कैसे? म्यूजिक की पावर से. अब आप सोचिए ना, जब म्यूजिक एक अंधेरे कमरे में दिया जला सकता है, धूप में बारिश और इंद्रधनुष दोनों दिखा सकता है, तो फिर ये तो प्लास्टिक है यार, मतलब ये तो दूर चला जाएगा, है ना? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, तैयार हो जाइए टू बीट किक स्लैप प्लास्टिक. सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी नीरज रॉय सर को, जिनका नाम लेकर भी मुझे थोड़ी सी कपकपी हो रही है जिन्हें इंट्रोडक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है. एंड सर प्लीज वेलकम ऑन स्टेज. सर मैंने बहुत कुछ बोल दिया और आप आपकी बारी. थैंक यू यशस्वी, यशी. रियली डिलाइटेड टू बी हियर एंड वांट टू थैंक ऑल मेंबर्स ऑफ मीडिया हु हैव कम हियर फॉर दिस टू सपोर्ट दिस. आवर एसोसिएशन दिस स्टार्टेड यू नो आई थिंक अ लिटिल ओवर अ ईयर बैक व्हेन आई मेट विद आसिफ भाई एंड वाज रियली अमेज्ड एट the manner in which he had been for several years prior supporting the entire cause towards the environment. We did a small association last year in that, and I think this is really something that has been taken to the next level. Jaisa aap dekhenge when you will see this, and the manner in which both Shan and Swanand have really brought their magic into this to making a issue which is so important. Even for us today, we learn most about this through our children. I found out that the amount of pollution through plastic that is going into our rivers, going into the sea, is something that we are, you know, it's one of the biggest issues. Today, if you were to just look at each year, the amount of plastic that's going in, it could cover the entire Earth's coastline by 5 times. And I think, as Yashishwi was saying earlier, no better way than to get the message across with the power of music. And as you will see further here, what Shan and Swanand have done and the entire team put together, Sonu, you know, the others, I think it's a wonderful initiative. And thank you to Bhamla Foundation for taking this up
and we are only too delighted to be supporting this year. Thank you. Thank you so much, sir. So, जो लोग हमें ऑफिस से देख रहे हैं वो तो देख रहे हैं, बट लेट मी टेल यू वन मोर टाइम दैट वी आर लाइव ऑन फेसबुक हंगामा म्यूजिक पेज, एंड ऑल्सो आप अभी हमें तो अपने मोबाइल में भी स्ट्रीम कर सकते हैं इफ यू हैव द हंगामा ऐप. नाउ हीरो नंबर वन तो आ चुके हैं, अब हीरो नंबर टू की भी बारी, बट ये दोनों जो हीरोज हैं वो प्लास्टिक को बीट करने में जुट चुके हैं. प्लीज वेलकम मिस्टर आसिफ बामला, चेयरमैन ऑफ बामला फाउंडेशन. यार आप लोगों की तालियां बहुत ठंडी हो रही हैं यार, ऐसे मत करो प्लीज. मुझे पता है बाहर बहुत गर्मी है, बट थोड़ी सी तालियां. कैन आई हियर यू वन मोर टाइम प्लीज, थोड़ा सा और जोर से. थैंक यू. थैंक यू नीरज रॉय, थैंक यू हंगामा. With my bottom of the heart, I must thank, appreciate, applaud, and laud Hangama. We never knew when we met last that this association would land in here, and it would be such a huge diaspora with such a major launch and such a big campaign. From the bottom of my heart, I want to thank Somni. A very big hand to her. She deserves one. She's taken a lot of from us, from all of us actually, for a lot of time, so she deserves an extra hand there. And of course the team, the Blackbone, Shan, inki Shan aur Shaukat aur Shohrat mein main kya aur kitna kahun, kahan se shuru karun. Aur Swanand ji, jo ek swadisht vyakti hai main kahunga, Swanand aur Swadishta, jo itna sundar tarike se inhone likha, जो गीत जो है मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था, जितने जितने जील और एंथुजियाज्म से उन्होंने लिखा. सो इट ऑल स्टार्टेड, मैंने ऐसे एक दिन राय बगैर शान से फ़ोन की, क्योंकि आप जानते हो हम पर्यावरण के विषय में पिछले 10 साल से काफ़ी सारा काम कर रहे हैं. सो वी बी डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट, इन एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट. सो दिस ईयर द यूएन, द थीम ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वाज बीट प्लास्टिक पोल्यूशन. And coming to that, our country itself has so much of the problem with the plastic pollution. We are all aware, our oceans, our seas, the trash of the plastic, our marine lives are in danger. We've seen that how we can avoid the use of basic things like avoiding the use of plastic bottles in our day-to-day lives, avoiding using the plastic straws day-to-day life. So these are small doable things which needed to be penned well and reached to every household, to every teen. And so how could we do that? So music was the only way which had the fastest reach. So I generally called up Shan and I said, Shanji, I've got something like this in mind. So he said, yeah, Asif bhai, let's do a beautiful song on this. And you know, and it all started with that. And Swanand ji is also my neighbor, and then I did not know that he's such a great writer till I got to know from Shan, because I excuse my ignorance, because I'm not from the film fraternity originally, but then mujhe pata chala Bande Mein Tha Dam, Vande Mataram was written by Swanand ji, and then Three Idiots was written by him, and he's a national award winner also, Padman. So I said, इतनी इतनी इतने सारे गुण जो है एक व्यक्ति में है, तो मैं बड़ा डरते हुए उनसे फ़ोन उठाते हुए कहा, मैं कहा सर दिस इज़ आसिफ भामला और आपको ये काम करना है, लेकिन इतने बड़े बड़े गाने आपने लिखे तो मुझे डर है, क्योंकि मेरी उतनी हैसियत नहीं कि मैं आपको कुछ बहुत ज़्यादा मुआवजा दे सकूँ एक गाने के लिए. तो उन्होंने कहा आसिफ जी ये इतना अच्छा सुंदर कार्य है और हम ये दिल से करेंगे और प्रो बोनो करेंगे विदाउट चार्जिंग अ सिंगल रुपी. एंड नॉट ओनली स्वानंद जी, शान जी who has composed this, every singer, be the most known, renowned singer, I would like to use this platform to take the names of every singer, because I'm sure they're all not here, but they should know that we all, Hangama, Bhamla Foundation, they and all of us thank them from the bottom of the heart. To start off with, Shankar Mahadevan ji, a very big round of applause for him for participating in this. Shan ji, Swanand ji, के लिए तो हम तालियां ऑलरेडी फिर से एक बार तालियों के हकदार हैं ये. टिली ही सपोर्टेड द इनिशिएटिव. वी हैड सुनिधि चौहान जी, शी आल्सो सपोर्टेड अस. वी हैड निधि नीति मोहन जी हु वाज वेरी सपोर्टिव फॉर द एंटायर इनिशिएटिव. एंड कनिका कपूर जी, अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर.
आई होप शेखर विशाल शेखर के शेखर रवजियानी जी ही ऑल्सो डिजर्व अ वेरी बिग हैंड. आई होप आई एम नॉट मिसिंग ऑन दिस. And my very dear friend, who's not only a good singer but a very big actor, also Ayushmann Khurrana, very, very big round of applause for him. And to top it all, we have Shyam Agdawar, who has done a fabulous job. You must be there. You must see the fantastic hook step that he has done. It's amazing, actually. Shyam Agdawar has done a beautiful, he's choreographed it so well. And for the first time after a very long time, he's even sang the song. And I think there's been phenomenal contribution from everybody. And I think this campaign is going to be a robust campaign, which will be played, which will be hummed, which will be sung in all schools, in all institutions, and by everybody. Because on this World Environment Day, we will be officially, today's the launch on the digital platform on 5th June at Carter Road in Bandra. At the amphitheater, we have the major launch in front of a lot of celebrities. Today, we've had only few very important associates here with us. There are many other important associates because all could not come at the same time. So we've requested all of them to come, be it Arman Malik, Shankar Mahadevan ji, or be it Sonu ji. We've requested all of them to be there on the 5th of June. So we look forward to jointly, all of us together, celebrate this World Environment Day. And this World Environment Day, we should all together pledge, and I would like you all to say loudly, beat plastic pollution. Thank you. That's the agenda. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, sir. और जैसा कि कहा जाता है, जहां पर words fail हो जाते हैं, वहां पर music अपने आप बोलना शुरू कर देता है. Now I would like to invite Mr. Neeraj Roy, Shan sir, Swanand sir, Asif sir, please aaye aur gaane ko launch kare please. And ek baar phir se aap logo ko bata do that you are watching us live on Hangama Music application and also on Hangama Music Facebook page. Hum launch karne ja rahe hain ek aisa gaana jo ki beat karega plastic pollution ko. Can we have the song please? कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे. ओके गाइस थोड़ी सी तालियां शालियां हो जाए. कम ऑन पीपल शो सम हंगामा. अगर सुन लो
प्लास्टिक को हम कह दे बाय बाय रे। बट क्योंकि सारे हीरोज आर ऑन द स्टेज, कैन वी डू द सिग्नेचर स्टेप टुगेदर? आर यू विद मी? ओके, कैन वी हैव द म्यूजिक प्लीज? सर कोई बात नहीं सर, मैं भी बहुत अच्छी आप लोगों की तरह डांसर हूं। ऑलराइट, प्लीज म्यूजिक। हम तो कर चुके भी, आपको करके दिखा रहा हूं। हम सब साथ में डांस करेंगे। हां हां बिल्कुल। कसम ये खाए। ऑलराइट पीपल, रेज योर हैंड, कम ऑन। मुझे ऑडियंस में नहीं दिख रहा है कोई भी, यार हाथ तो ऊपर कर लो, कम ऑन पीपल, बीट द प्लास्टिक विद द नमन फ्रॉम द फाउंडेशन। ओके पीपल, अब स्वैग से करते हैं हम शान का स्वागत। यार मतलब खाना वाना तो हो गया होगा नहीं अब तक, है ताली वाली कुछ थोड़ी? ऑल राइट, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कंपोजर एंड सिंगर। एंड सर आपको पता नहीं है, मतलब मैं टीनेज से आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि मेरा दिल जब जब तनाव हुआ है ना, आप जरूर मेरे साथ में चले। मतलब आप हमसे आज पहली बार मिले हैं। आप के टीनेज से फैन है, मैं शान के टीनेज से उनका फैन हूं। और अगर टीनेज से फैन है तो फिर क्या, एक डेढ़ साल से ही फैन होंगी आप? सर आप सर आपके बावरे मन ने मुझे बहुत सारे सपने दिखाए हैं। अरे वाह। और वैसे मैं आपसे कहना चाहूंगी कि क्योंकि आपने बहती हवा सा था वो लिखा है और आपने गाया है, तो मतलब अब बहती हवा में जो प्लास्टिक पॉल्यूशन फैल रहा है उसको साफ करने का जिम्मा भी इन दोनों ने उठाया है। सो शान आपसे पूछना चाहूंगी, इस गाने में भी एक लाइन में बहती लाइन है, लेकिन इस बार हवा नहीं नदिया है। तो शान मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसा मतलब आपको क्या लगा कि यू नो यू शुड एसोसिएट योर सेल्फ विद दिस सोशल कॉज, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स सेलिब्रिटीज होते हैं चैरिटीज के साथ में एसोसिएटेड, बट मैंने इतना ऑनेस्टली ऑनेस्ट कन्फेशन इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं देखा है। नहीं एक्चुअली जब आसिफ भाई से एक दिन ऐसी बात हो रही थी, और आसिफ भाई भामला फाउंडेशन के प्रेजिडेंट हैं और बहुत सालों से क्योंकि हम लोग भी बांद्रा के ही हैं, और तो जब भी उनका कोई भी इस तरह का सोशल फंक्शन होता है तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि उसे अटेंड करूं। और तो इस बार उनके पोल्यूशन डे जो हर साल वो करते हैं काटरोड एम्फी थिएटर पर, कह रहे थे कि इस बार कमाल की बात यह है कि द UN India is the host nation for the UN on Environment Day on 5th of June, और थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो इसके लिए मतलब वो कह रहे थे कि इस डेट पर फ्री रखना आना है, ऐसे वो तो आएंगे ही लेकिन अपने पास अभी थोड़ा टाइम है तो क्यों ना हम उस दिन कुछ खास करें, कोई एक स्पेशल गाना इस मौके पर करें। तभी इतना मैंने सोचा नहीं था कि करना भी पड़ेगा ना, होते ऐसे ही। तो सुबह बोले
अगर बन सकता है तो क्यों नहीं, इट्स अ ग्रेट आइडिया, लेकिन यार ये सब मुझे समझ में नहीं आता. आई विल कॉल एवरीवन, आई विल क्रिएट द इवेंट, आई विल चैंपियन द कॉज, लेकिन गाना वाना कैसे बनता है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है. तो मतलब यू नो आई नो समवन हु कैन एक्चुअली पुट दिस, बिकॉज दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग को गाना ऐसा बनाना था जो बहुत ज़्यादा प्रीची, बहुत ज़्यादा मतलब अपील करे यंगस्टर्स को, वो बहुत ज़रूरी बात थी. इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, हाँ, हार्ड हिटिंग होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि बस इतना फ्लफ एंड फोल्ड वाला गाना हो कि लोग एंजॉय करें, समझ में नहीं आया कि कॉज क्या है, लेकिन साथ साथ कैची भी होनी चाहिए कि लोगों को पसंद आए. और ये सारी चीज़ें सोचकर एक ही बात हो जाती है कि ट्यून तो आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन बात क्या करना है वो तो लिरिक्स से ही होता है. तो फिर यूनैनिमसली बोथ ऑफ अस फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में ही डिसाइड कर लिए कि स्वानंद लिखेंगे इस गीत को. और मैंने फिर पूरा जो है जिम्मेदारी कहा कि सर अब आप कुछ लिख के दीजिए ना, फिर गाना बनेगा. तो उस चक्कर में हम लोग दोनों बैठे, कुछ एक डमी ट्यून बना, उस पर उन्होंने लिखा, फिर उसके बाद उस पर प्रॉपरली ट्यून बना गया. कि ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, एंड बहुत मतलब वो लेकर गया मैंने उनको जो डमी ट्यून दिया था, और नेक्स्ट डे जितने लाइंस वो लेकर आए, एवरी लाइन हैज बीन यूज्ड. कुछ भी ऐसा नहीं था जो लगा कि एवरीथिंग जस्ट फेल इन प्लेस, और एक ही ड्राफ्ट में. So great minds is one thing and Swanand Kikre is one thing. Guys, thank you, Shad. जैसे थोड़ा change हुआ था. Sir, so same question मेरा आपसे है कि क्या ऐसी चीज ने आपको drive किया कि आपको इस पे गाना लिखना चाहिए? ये चीज जो होती है ये हम हमेशा हमारे सबके माइंड में, जो देख रहे हैं उनके माइंड में, हमको सबको पता है कि प्लास्टिक इज सच अ बिग डेंजर, इतनी बड़ी बात हो रही है, लेकिन हम लोगों हम अपना काम कर रहे होते हैं, कोई एक एक इनिशिएटिव होना जरूरी होता है कि अपने दिल की बात कहने के लिए. जी. और जब ऐसी कोई चीज़ होती है, जब आसिफ हमला साहब ने मुझे बुलाया, फ़ोन करके बोला कि आप मुझे करके ये काम करना है, और मुझे पता चला शान कर रहे हैं, तो आपको फिर एक अश्योरेंस होता है कि चलो अब आप कुछ चलो अब आपके दिल की एक बात आपको निकालने के लिए एक जगह मिली है जहाँ से वो सही तरीके से लोगों तक पहुँचेगी. तो दैट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दोज हु हैव ड्रीम्ड ऑफ इट. हमने तो रंग भरे उसमें, हम तो सिर्फ थोड़ी सी कलाकारी यहाँ वहाँ. हमारी वैसे भी आपका म्यूजिक ऐसा होता है कि आप यहाँ से सुनते हैं और यहाँ पे लगते हैं. अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर दैट. बट नहीं, ये जरूरी होता है कि कोई वो बड़ा ड्रीम, बड़ा सपना देखे. तो आई रियली वॉन्ट टू थैंक आसिफ भामला साहब, शान साहब, नीरज साहब, क्योंकि आपने इसको ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि ये गाना वहां पहुंचेगा जहां तक इसका पहुंचना चाहिए, वो सबसे जरूरी होता है. वरना तो अच्छी भावना तो सबके दिल में होती है, लेकिन यू नीड टू हैव द प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर इट गोज टू पीपल. एब्सोल्युटली. और वैसे भी सोशल मीडिया की जो ताकत है अब टीवी से ज्यादा हो चुकी है, आई बिलीव. एंड वन मोर टाइम आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट यू आर वॉचिंग अस लाइव ऑन फेसबुक हंगामा पेज एंड ऑल्सो ऑन हंगामा म्यूजिक एप्लीकेशन. और यहाँ पे हम हैशटैग बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन का एक ऐसा गाना लॉन्च कर चुके हैं जो कि आई थिंक सो कि हार्ड हिटिंग भी, और कहीं ना कहीं यू वांट टू डांस ऑन द ट्यून्स आल्सो. बिल्कुल बिल्कुल. सो सर इतने सारे सिंगर्स को रिपीट वैल्यू होगी, तो जब गाने की रिपीट वैल्यू होगी तब लोग बार बार उस बात को सुनेंगे और कहीं ना कहीं जाके वो बात को महसूस भी करेंगे और फिर वो इफेक्टिव होगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सॉन्ग हैज रिपीट वैल्यू. And also, it was the process of working on this was very, working with Shan was very, हम लोगों ने जो पहली बार इनके ऑफिस में मिले थे वहां पे जितनी बातें की थी वही ये गाना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है. बट वो तो पैशन के साथ जो बातें निकली थी, जो इनके इनपुट्स थे और जो मेरी थोड़ी सी जिसको कहते हैं कारी क्राफ्ट्समैनशिप है, वो तीनों को हमने काम में लगा के. नहीं नहीं सच बता रहा हूँ, ईमानदारी की बात है, मतलब वो मेरा काम है, वो मैं करता हूँ, तो इतना तो बनता है. सर वीडियो पे तो हमने गाना देख लिया, हम सबने डांस भी कर लिया, बट थोड़ा सा अनप्लग्ड वर्जन हो जाए दोनों एक साथ. वो उधर वो उनका काम है. ओके तो अनप्लग्ड का तो पता नहीं, जो भी होगा वॉइस की हालत क्या है पता नहीं. डू यू हैव अ माइनस ट्रैक और समथिंग? ओके ओके, यू हैव अ माइनस ट्रैक. हां हां हां, तो फिर हो जाएगा. कसम ये खाए रे, टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए रे. बताएं जैकी जैकी बर्नाडी को मेकिंग द ट्रैक, सरोज चुपने गिटार, और हमारे सारे सिंगर्स इस गाने को गाए. अगर सुन लो जो सब लेना हम, तो बम ये फट जाएगा, ये नदिया नदिया का ये पानी रुक जाएगा. वेरी वेरी गुड.
अगर सुन लो तो संभल ना हम तो बम ये फट जाएगा ये बहती सी नदिया का ये पानी थम जाएगा हसन लो कसम धरती का ये दम भी घुट जाएगा कि कुदरत की हनस नस में जहर ये बस जाएगा प्लास्टिक के हम सब मोहताज है कैसा ये समाज है करना हो हाथों में आज है मौका ये हाथों से न जाए रे टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे हम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे सिचुएशन ड्रास्टिक है जहाँ देखो वहाँ प्लास्टिक है सिचुएशन ड्रास्टिक है जहाँ देखो वहाँ थैली बोतल स्ट्रॉ इत्यादि सर्रे सर्रे में फैला दी मिट पाए ना मिट पाए रह रह के टॉक्सिक पंचाय इससे छुटकारा तो नहीं पर है उपाय रे सिंगल यूज प्लास्टिक को हम कह दे बाय बाय रे टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे कसम ये खाए रे प्लास्टिक टिक ना पाए रे हमारा पहला डुएट कमाल थैंक यू सो मच सर थैंक यू सर थैंक यू नीरज रॉय सर थैंक यू आसिफ सर एक बार फिर से मैं आपको बता दूं बिल्कुल जाते जाते फिर एक बार हमारे तरफ से भी हमारे फ्रेटर्नरी के जो सिंगर्स हैं राइट फ्रॉम शंकर महादेवन सुनिधि चौहान सोनू निगम आयुष्मान खुराना कनिका नीति मोहन अरमान मलिक ऑफकोर्स श्यामक दावर स्वानंद मायसेल्फ हम सबको बिग थैंक यू टू एवरीवन हु हैज बीन अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग थैंक यू सो मच थैंक यू प्लीज कम नो जी 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 सहर सौमिनी यू मस्ट बी देयर सौमिनी हैज बीन अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग तो सब इस बार बार हम इस नाम को ले रहे हैं तो कोई चेहरा भी देखें दैट्स लवली सौमिनी आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑल पीपल जो कि इस प्रोजेक्ट और इस नोबल कॉज से एसोसिएटेड है प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड एक बार फिर से आपको बता दूं दैट यू आर वाचिंग अस लाइव ऑन आवर फेसबुक हंगामा म्यूजिक पेज एंड आल्सो ऑन द हंगामा म्यूजिक एप्लीकेशन ऑन योर सेल फोन्स वो नाम लेते रहेंगे इट्स बेटर दैट द पर्सन इज आल्सो देयर तो रेडी आर रेडी रेडी हां आप शुरू कर दीजिए शुरू कर दीजिए बैठना पड़ेगा तो ये अच्छा नीचे बैठ जाए हम लोग नहीं नहीं रूम लेके नीचे बैठ जाए एक मिनट एक मिनट सर आई ना नीड अ फेस टू द आई आई सर सर सर
सर नहीं, बिल्कुल हम सबको ज़रूर रिलेट कर पाएंगे और आप सब जानते ही हैं कि प्लास्टिक में जो प्लास्टिक के गुण भी है, लेकिन फिलहाल जो प्लास्टिक डिस्क वन टाइम वन सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो हमारे नेचर पर प्रदूषण फैलाया जा रहा है उसे रोकना बहुत ज़रूरी है। एंड कहीं ना कहीं हम लोग अपने यू नो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन चीज़ों को इतना ध्यान नहीं देते। सो आई एम वेरी ग्लैड वेरी हैप्पी दैट आसिफ भामला जी फ्रॉम भामला फाउंडेशन इस चीज़ को इस कॉज को चैम्पियन कर रहे हैं। इस साल हर साल एनवायरनमेंट डे पर वो कोई ना कोई एक मुद्दा को लेकर ड्राइव करते हैं और इस बार इट इज़ प्लास्टिक और उनके ज़रिए हम सबको एक अपॉर्चुनिटी मिला कुछ ऐसा क्रिएट करें जिसके ज़रिए हम ये मैसेज यंगस्टर्स तक और हर किसी तक पहुंचा सकें। शान, देखा जाए तो फिर प्लास्टिक तो बैन हो चुकी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन धड़ल्ले से बिक रही है प्लास्टिक जो है ये इन पब्लिक प्लेसेस में। देखा जाए तो फिर कहीं ना कहीं जो उसका उसका जो देखा जाए तो फिर जो ये बात आई थिंक भामला जी इज़ इन अ बेटर पोजिशन टू आंसर। महाराष्ट्र सरकार पहला स्टेट है जिसने इसको बैन किया जब ये विषय निकला, तो मुझे लग रहा है इसका हमने स्वागत किया, अभिनंदन किया। लेकिन उसमें भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है, क्योंकि प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो देर आर सर्टेन थिंग्स विच जो बड़े आसानी से आप उसको बंद नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंडस्ट्री जुड़ी हुई है उसके मुताबिक कई लोगों के एम्प्लॉयमेंट का प्रश्न आता है उसमें, कई सारी चीज़ें उसमें जुड़ी हुई है। लेकिन फिर भी अगर आप देखने जाओगे तो अन्य राज्यों से ज़्यादा जो महाराष्ट्र ने उसमें स्टेडफास्टनेस दिखाया, मुझे लगा ये सराहनीय है और आहिस्ते आहिस्ते उसका सोल्यूशन निकलेगा। अभी प्लास्टिक बॉटल्स जो है दैट इज सीरियस प्रॉब्लम, अभी आपने स्ट्रॉस तो आप चेंज कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन रिप्लेस दैट। बैग्स आपने अगर आप जाओगे तो अक्सर आप शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाओगे तो भले आपको 5 रुपये देना पड़ता है, लेकिन आप एक जूट बैग खरीदते हो, पेपर बैग खरीदते हो, तो प्लास्टिक बैग्स का तो मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक के जो यूज़ है वो सॉफ्ट, लेकिन प्लास्टिक बॉटल्स का जो है लेसर बायोडिग्रेडेबल जो है, जो कम जो रीयूजबल है उसकी उसका एक प्रयास और कोशिश चल रही है। मुझे लगता है राज्य सरकार और ये जो इन्फ्लुएंसर्स है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मेरी मुलाकात हुई आदित्य ठाकरे जी से भी हुई और अन्य जो इस राज्य से संबंधित लोगों से हुई, और वो भी इसका एक निवारण करके एक प्रॉपर प्लान के साथ आना चाहेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। और मुझे लगता है इसके लिए सारी पार्टियां सकारात्मक है, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, भाजपा हो, सारे लोग इसमें पार्टी से हटकर आज जो हम काम करते हैं सामाजिक काम में कोई पक्ष की बात नहीं आती है, और एक अच्छे काम के लिए जो है सारे एकजुट होकर करते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। सर, निवारण के अलावा हम विपक्ष की क्या भूमिका होगी इस विषय को लेकर के, क्या सरकार के साथ हैं आप या सरकार के विरोध में, क्योंकि जिस हिसाब से आप बता रहे हैं आप प्लास्टिक भी बैन कर रहे हैं, लेकिन भूमिका क्या है? प्लास्टिक के विरोधी है ना, जब राज्य सरकार ने किस चीज़ को बैन किया तो उस पर विरोधी पक्ष थोड़ी विरोध करेगा, और सहयोगी पक्ष नहीं, राजनीति से बढ़कर और उसके आगे भी कई काम होते हैं, और ये सामाजिक काम है। जागतिक पर्यावरण दिवस पूर्ण विश्व मनाया जाता है, और ये सौभाग्य है कि हिंदुस्तान इस बार इसको होस्ट कर रहा है। दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, महाराष्ट्र में मुझे लग रहा है हमारा जो कार्टर रोड पर प्रोग्राम हो रहा है, पिछले 9 साल से हम करते आ रहे हैं जागतिक पर्यावरण दिवस। मेरी आप लोगों से भी विनंती है, आप लोग तमाम उस दिन 5 जून को जो कार्टर रोड पे होता है एम्फी थिएटर में, आप लोग बड़ी संख्या में आए, क्योंकि क्या है फिल्मी गाने और अन्य गानों को तो बड़ा आसानी से प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन ये गाना जो है एक सोशल मैसेज के साथ है, और ये इसलिए इसको एक गाने के स्वरूप में किया गया ताकि इसके ज़रिए लोगों तक ज़्यादा आसानी से पहुंचा जाए, क्योंकि जो इल्म और तालीम हम संगीत के माध्यम से दे सकते हैं, मुझे लगता है वो शब्दों के माध्यम से और शब्दाली से भी नहीं हो सकता है। यदि कोई पिता अपने बेटे को भी प्रीच करे तो शायद वो उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता जितना वो गाना सुनकर सोशल मीडिया में वो सुनकर उस बात को अमल कर सके। इस उपदेश से हमने मिलकर ये एक खूबसूरत गाना इस देश को देना चाहा है, इसे देश तक ही नहीं मुझे लगता है विदेश तक भी जाएगा, और इसका फ़ायदा जो है सबको पहुँचे, इस बात की हम उम्मीद। एक सवाल आपसे है,
इस गाने के दौरान हमने रैप भी सुना, तो ये रैप आप खुद कर रहे थे या किसी और से करवाया? नहीं नहीं, रैप तो मैं खुद कर रहा था, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मैं वहाँ बताना भूल गया, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि शान मेरे शब्द गा रहे थे और मैं शान के शब्द गा रहा था, और रैप पोर्शन जो है पूरा का पूरा शान ने लिखा है। अच्छा, हम लोग रिवर्स किए, तो ये हमने रिवर्स एक अपने आप हो गया मामला। तो इसमें ये हम बोलना भूल गए, मुझे बोलना चाहिए था कि ये रैप सेक्शन जो है इसका वो शान ने लिखा है, वो मैंने गाया है, बिल्कुल पूरी तरह से मैंने गाया है, और शान ने ही उसका वीडियो शूट किया है। तो ये मेरा मानना है कि ये इनिशिएटिव ऐसा है जो बहुत हंसते खेलते और बहुत पैशन के साथ में हम लोगों ने साथ में मिलके ये काम किया है, और ये आप लोगों के सामने लाए हैं। शान, अक्सर देखा गया है कि जिस तरह के सोशल कॉज़ पे जब कोई एक्टर दिखाई देता है उसे प्रमोट करते हैं, तो कुछ मोमेंट तक वो दिखाई देता है, उसके बाद नजर नहीं आता, तो आप क्या इस प्लास्टिक बैन या ग्रीन प्लास्टिक को, ये इसके आगे आप चलते रहेंगे इस बात को लेकर? नहीं, बिल्कुल अपनी ज़ाती ज़िंदगी में हम ज़रूर इस मतलब जिस तरह से हम प्लास्टिक को जितना हो सके अवॉइड कर सके, जो प्लास्टिक हम रीयूज़ नहीं कर सके उसे अवॉइड करें, उसके लिए आपको सेलिब्रिटी या पर्सनालिटी होने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई जो ये काम कर सकता है वही इस अभियान के एम्बेसडर है। और ये तो गलत होगा कि अगर आप एक चीज़ को आप प्रचार करें और खुद ही उस चीज़ को आप उस पर आप खुद अमल ना हो, तो डेफिनेटली मुझे लगता मैं अकेले नहीं, जितने हमारे सारे सब ने प्लेज किया है टू हैशटैग बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, तो सारे सिंगिंग फ्रेटर्निटी, आप बीच में पॉलिटिकल बात कर रहे थे, देखिए हमारा फ्रेटर्निटी तो एक हो गया है, वी हैव यू नो ऑल द बिग नेम्स, और वो सब यू नो ईच ऑफ देम आर एन एम्बेसडर टू दिस कॉज। स्वानंद जी है, मैं हूँ, शामक दावर की जो क्लासेस चलती है पूरे इंडिया में लाखों की तादाद में उनके स्टूडेंट्स हैं, तो अगर ऐसे हैं स्टूडेंट्स हैं, स्कूल्स हैं, डीवाई पाटिल स्कूल भी हमारे साथ है, इस तरह से सब लोग एक हो जाएँ, तो यू डोंट हैव टू हैव अ बी अ पर्सनैलिटी और अ सेलिब्रिटी, हम सब इस अभियान से जुड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं हमारे प्रदूषण को इस भयानक फ्यूचर से बचा सकते हैं। जैसा कि शान देखा गया है, जूही चावला इस तरह इस कंटेंट से बहुत ही लंबे अरसे से जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर एक नाम और लेना है डेफिनेटली दिया मिर्जा इज अ पार्ट ऑफ, शी इज ऑल्सो स्पोक्स पर्सन टू द UN, तो दिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। जूही जी ऑफकोर्स कई सालों से इस बात को कह रही हैं, लेकिन ये गाने की बात है, इसके अलावा ये गाने तक ही महदूद नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, इसमें ग्राउंड पे भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनको भी हमें सराहना चाहिए। गाना और संगीत, ये तो देखिए रोल मॉडल्स है, स्टार्स सिंगर्स जो है ये रोल मॉडल्स है, इनका इनके कई सारे हजारों लाखों करोड़ों फैंस होते हैं, तो इनका इन्वॉल्वमेंट से अभी आप मीडिया का भी उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ता है। यदि हम ये दुर्भाग्यवश है कि यदि हम एक सामान्य जो काम चल रहा है, अभी हमारे पिछले 3 महीने से भामला फाउंडेशन और हमारे जो वॉलंटियर्स है डीवाई पाटिल स्कूल के बच्चे, ये लोग ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, सारे शॉपिंग एरियाज में जा रहे हैं, सारे बीच क्लीनिंग ड्राइव्स ले रहे हैं, गए थे काटरोड के मैंग्रोव्स में, इतना प्लास्टिक कचरा पड़ा हुआ है, तो वो ग्राउंड वर्क है वो भी चल रहा है साथ ही साथ। तो ये सिर्फ नहीं है कि ये सिर्फ संगीत और ये तो एक माध्यम है, एक अलग है, लेकिन जमीनी काम जो हमारी संस्था के माध्यम से हम लोग जो कर रहे हैं उसमें हमारे इको चैंप्स हैं, वो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है उनका नाम मैं लेना चाहूँगा, वो भी यहाँ है शायद, शी इज़ ऑल्सो हियर, शी इज़ लीडिंग द इको चैम्प, कम सर, दे वर आस्किंग दैट हुआ योर इको चैम्प, सो इवन शी इज़ द यंगेस्ट वॉलेंटियर ऑफ द फाउंडेशन, सो दे आर अ ग्रुप ऑफ अबाउट मोर देन 200-300 चिल्ड्रन एंड दे आर ऑल वर्किंग रिलेंटलेसली, दे हैव टू बी ऑल्सो क्रेडिटेड बिकॉज दिस इज़ द ग्राउंड वर्क विच इज़ द रियल वर्क, और जहाँ ये ज़रूरी है वहाँ वो भी ज़रूरी है, मुझे यकीन है कि इस टीम वर्क और टीम पार्टिसिपेशन से इस अवेयरनेस को हम और बढ़ा सकेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, सर सर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हम लोग भगा रहे हैं हम लोग को यहाँ से। अरे यार ये कहाँ इनको, वो भी ऑयल है, ये भी ऑयल है, ये भी गड़बड़ है, वो भी गड़बड़ है, कम होना चाहिए।